हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश बड़ारडा सामाजिक विज्ञान की कक्षा के साथ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, अभी अपने लेसन नंबर 6 चल रहा है केंद्र सरकार, और उसके अंदर विद्यार्थियों अभी तक हम सरकार के जो 3 अंग होते हैं उसमें जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका, उन तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका के बारे में हमने पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा उसमें जो आती है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका उसकी तरफ ध्यान दिया। तो कार्यपालिका में सबसे पहले जैसे राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या शक्तियाँ हैं, सामान्यकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन शक्तियाँ, वो सब कुछ हमने पढ़ी। आज विद्यार्थियों, हम कार्यपालिका के अंदर ही, जैसे कि आपको पहले बताया मैंने कि उपराष्ट्रपति जो है वो भी भारत के अंदर कार्यपालिका में ही आता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार, आर्टिकल 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि अनुच्छेद 52 के अनुसार, आर्टिकल 52 के अनुसार ये कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसमें 11 जोड़ दो तो अनुच्छेद 63 में ये कहा गया कि एक उपराष्ट्रपति होगा, और इसमें 11 और जोड़ दो आप तो अनुच्छेद 74 ये कहता है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 कहता है। अब सबसे पहले विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसमें जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए नंबर एक, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो जैसे राष्ट्रपति के लिए वैसे ही, और इसके अलावा जैसे हम वो लाभ के पद पर कार्यरत न हो, पागल दिवाले या नहीं हो, उन सब को हम सम्मिलित रूप में ऐसे कह सकते हैं कि एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो सब योग्यताएं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में भी होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि भारत का नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो, और आयु कम से कम 35 ईयर्स हो, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये विद्यार्थियों हो गई उपराष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। अब अगर हम बात करें चुनाव की, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों के, ध्यान दें विद्यार्थियों, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतपत्ति से गुप्त मतदान के द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये आपके हो गई उपराष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। फिर अगर हम उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें, तो उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति के विद्यार्थियों, वेतन की बात करें, तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है, और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा है वो दिलाई जाती है। कार्यकाल में विद्यार्थियों, जैसे कि सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन इससे पहले वो स्वयं त्याग पत्र भी दे सकता है। इसके अलावा राज्यसभा अपने बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे, राज्यसभा बहुमत के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर दे जिसको लोकसभा भी स्वीकार कर ले, तो इस प्रकार से भी उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले ही पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से 14 दिन पूर्व सूचना उपराष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। यहाँ पर आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना है कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है। अब विद्यार्थियों, हम उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की बात करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है भारत के संविधान में ये कहा गया है कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। तो सामान्यतः तो उपराष्ट्रपति का काम राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, अर्थात जो काम लोकसभा के अंदर लोकसभा का अध्यक्ष करता है वही काम राज्यसभा में उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति करता है। ये विभिन्न विधेयकों पर चर्चा करवाता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है, सदन के अंदर अनुशासन बनाए रखता है। सामान्य
रहते इसको राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता है, लेकिन अगर कभी किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तब उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दे सकता है। इस प्रकार से ये उपराष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य है। तो हम ये कहेंगे कि सामान्यतः उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करता है। अब किन किन परिस्थितियों के अंदर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर सकता है वो आपको बताई जा रही है कि कब कब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाए और जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है। दूसरा, अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाए तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है। या इसके अलावा जैसे महाभियोग के द्वारा अगर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया हो तब भी जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। या किसी अन्य कारण से, बीमारी या किसी दूसरी चीज़ की वजह से, विदेश यात्रा आदि के कारण राष्ट्रपति की असमर्थता हो या राष्ट्रपति काम करने के योग्य नहीं हो तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करता है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों आप देखते हो क्रिकेट मैच के दौरान जब तक कप्तान होता है तब तक उपकप्तान की कोई ज़्यादा भूमिका नहीं होती है, लेकिन जैसे किसी कारणवश जैसे चोट आदि के कारण कप्तान मैदान से बाहर चला जाता है तो फिर स्वतः ही कप्तान के सारे जो कार्य हैं वो उपकप्तान करता है। ठीक उसी प्रकार इन चार स्थितियों में जब जब किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का काम संभालता है। बाकी सामान्यतः उपराष्ट्रपति का काम राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने ये पढ़ा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आयु जिसमें कम से कम 35 वर्ष हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष हैं, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, मासिक वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपये हैं, राज्यसभा बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे और लोकसभा अगर उसको स्वीकार कर ले तो इस तरह से 14 दिन पूर्व सूचना देके उपराष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है। कार्य और शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उसका रूटीन का कार्य होता है, और अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो तो उस स्थिति में वो राष्ट्रपति के काम भी करता है। तो आज की ज्ञान विहार की ऑनलाइन कक्षा में विद्यार्थियों इतना ही। मैं मुकेश बड़ारा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम कल आगे की कक्षा के अंदर प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।